अल्लाह सलमान उन लोगों की तरह ना मानो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। आप किशन जबान से नहीं कहते कि हमने अल्लाह को भुला दिया, पर अपनी आदतें बताकर अपने आमान से अपनी आदतों से बताओ कि तुमने अल्लाह को नहीं भुलाया। और अगर तुमने अल्लाह को भुला दिया, उसकी नेमतों से बेरियाब होते रहे मगर शुक्र अदा नहीं किया, कायनात के दो दोनों तरफों की दुनिया की मफाद के खातिर लोगों की तारीफ करते रहे, रब्बे कायनात की जैसे तारीफ करने का हक है वो न किया, वो अल्लाह ने फरमाया ममा कदरुल्लाह हक कदरी, उन्होंने अल्लाह की वो कदर न की जैसे उसकी कदर करने का हक है। एक सूरह हकीम में फरमाया ममा रहुआ हक रियाया किया कि जो उसकी रियायत जिस अंदाज से उसे करना था उसके करने के वो तकाजे उन्होंने पूरे न किए। जो रहमानियत की बात की ना बराबानियत नहीं कर रहा हुआ, उन्होंने रहमानियत को ऐलान कर ली और अल्लाह के करीब होने के नाम पर हालों में भी बैठ गए, तन्हाई भी इख्तियार कर ली और लोगों में मशहूर भी हो गए कि ये सारे अल्लाह वाले हैं, अल्लाह को राजी करने वाले हैं, अल्लाह की खातिर दुनिया के बन जाने वाले हैं। लेकिन दूर होकर भी फमा रहा हक कर आया कि हाँ जैसे रब को राजी करने का हक था साधु बनकर रंग को राखी न किया, घर में बैठकर रंग को राखी न किया, अल्लाह की वो मदद न की जो उसके मदद करने का हक है, तो फिर बताओ कि तुमने अल्लाह को कैसे याद रखना। भगवान साह हो इस तरह अपने रब को भुला दे तो बतौर सदा होते उसे अपने आप से बेगाना कर देता है। कैसे बेगाना कर देता है कि दुनिया में जो चीज उसे फायदा देती है उससे दूर भागता है, जो चीज उसे नुकसान देती है उसमें घुसा जाता है, उसकी अंदर मारी जाती है, उसकी अंदर पर पर्दे पड़ जाते हैं अपने नफा और नुकसान के। भगवान साहब मान को साहब अल्लाह के भुलाने का मतलब यह नहीं कि अल्लाह को चीजें भूल जाता है, ला इल्लो रब्बी मलायंसा, मेरा रब्बे का नाम कोई चीज भूलता नहीं है। जो आगे रहो मामले में ना से रहो, जो मामला लोगों का होता है यानी जो तुम अल्लाह के साथ करते हो बतौर सदा फिर वो खुदा की तरफ से तुम्हारे साथ होता है। तुम जब उसे भुला देते हो उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं करते जैसा कि हक है, उसकी कदर नहीं करते, उसकी रियायत नहीं करते, अहकाम को बजा नहीं लाते, दुनिया की खातिर उन्हें राजी करने के हजारों रास्ते ढूंढते हो पर रब की रजा के रास्तों से भागे रहते हो, फान साहो मान पसा हो, फिर खुदा तुमसे तुम्हारा मांगा ये कहता है कि जो तुम्हारी आदर है तुम्हारी समझ बूझ उस पर पर्दे पड़ जाते हैं, जिस चीज ने तुम्हें फायदा देना हो खुद उससे दूर भागते हो, जो चीज तुम्हारे लिए नुकसान दे हो उसमें पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, बना कभी बंदा अपना नुकसान भी चाहता है तो जाकर जरा किसी पुल के नीचे बैठे हुए नशे से पूछो, किसी कोने ढांचे में गंदी और हिरासत में बैठे हुए किसी हेवन पीने वाले से पूछो कि तुझे इस काम में किसने लगाया, यदि तू अपने घर से निकला अपने वालदैन से मिला होगा अपने मोहल्ले से मिला होगा, न किसी के काम का न किसी के बात का, किसी के काम ना आने वाले की हालत भी किसने की, तो जब तूने नशा शुरू किया था तो क्या हुआ, अगर पे पर्दा पड़ा वो नशा जो उसे सारे जमाने से दूर करता था उसे अच्छा समझ के कबूल किया वो विरासत। आप जाते जो फांसी और रुड़ियानी में पड़े हैं, शराब नोशी में पड़े हैं, नशों की लालच में पड़े हैं, बदकारियों और हरामकारियों में पड़े हैं, उन्हें लगता है कि उनकी रातें रंगीन हैं, उनके लम्हात अच्छे गुजरते हैं, लेकिन हर आने वाला दिन बर्बादी की एक नई नदी लेकर आता है, तबाही का एक नया दरवाजा खोलता है, अच्छे खासे हंसते बसते बहाने का वक्त किसी किनारे मिलावर के डैम पर बैठ कर अपना नशा पूरा कर रहा होता है, न उसकी शक्ल रहती है न उसकी अकल रहती है न उसका लिबास रहता है, और बंदा यकीन नहीं करता कि इस खानदान से यह ताल्लुक रखता होगा, इस घराने से यह शख्स ताल्लुक रखता होगा। तो अपनी जिंदगी में देखो कि जब इंसान अल्लाह के गज़ब का शिकार होता है जो शय उसे बर्बादी की तरफ ले जाए उसे वो अच्छा समझ कर कबूल कर लेता है,
और जिस शहर में उसके लिए नफा होता है खा वो इल्म हो खा वो हालात हो उसे डूबूंगा। बताओ सदा तुम्हारा तुम्हें उन चीजों में मुबतला कर।